नगर पालिक निगम रिसाली में बुधवार को सुबह कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने निर्वाचित पार्षदों को पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण के बाद महापौर व सभापति के चुनाव की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। रिसाली नगर निगम के लिए कांग्रेस से महापौर प्रत्याशी शशि सिन्हा एवं सभापति के लिए केशव बंछोर ने जीत हासिल की। कुल 40 पार्षदों वाले नगर निगम रिसाली में दोनों को 27-27 मत मिले। भाजपा की ओर से महापौर के लिए रमा साहू व निर्दलीय सुनंदा चंद्राकर ने भी अपना नामांकन दाखिल किया था, जिसमें कांग्रेस प्रत्याशी शशि सिन्हा को कुल 27 वोट मिले। वहीं भाजपा की रमा साहू को 9 वोट तथा सुनंदा चंद्राकर को 4 वोट मिले। सभापति के लिए कांग्रेस के केशव बंछोर को 27 वोट मिले, जबकि भाजपा के धर्मेंद्र भगत को 13 वोट मिले। नरेंद्र कुमार निर्वाचित पार्षद नगर पालिक निगम रिसाली ईश्वर की शपथ लेता हूँ। सत्य निष्ठा से संविधान से करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित धारा के संविधान संविधान की सत्ता मैं निर्वाचित पार्षद नगर पालिक निगम रिसाली ईश्वर की शपथ लेता हूँ। सत्य निष्ठा से ज्ञान करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। सभी लोग शपथ लेंगे। निर्वहन करूंगा। प्रत्याशियों को जिताया, मेहनत किया, काम किया, सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और निर्वाचित पार्षदों को भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ जो अपने 27 थे, 27 के 27 मत दोनों में आए। ये सबसे बड़ी खूबी की बात है, इसलिए उनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। हमेशा ऐसे ही सोचते हैं और कुछ दिन सुख शांति से उनका बीपी हाई हुए बिना नींद लग जाता है, अच्छी बात है, पर हमें अपने साथियों के ऊपर पूरा भरोसा था, इसलिए पहले दिन से हम फ्री छोड़ दिए। हमारे सभी साथी जानते हैं कि हमारे सारे पार्षद को हम लोग फ्री रखे थे, कहीं किडनैप करना बंधन नहीं। जिस दिन चुनाव हुआ उस दिन से अपने घर में रहो, फ्री अपने घर में रहे। घूमने भी जाना है तो तुम ही लोग निर्णय करो कहाँ जाओगे, जाना है तो जाओ। तो इस तरह सब फ्री रखे थे, कहीं हम लोग बंद करने वाली बात नहीं किए थे, ये बड़ी बात। रिसाली निगम निवेदन मेरा था, पर देन तो माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का था। सहृदयतापूर्वक उन्होंने हमको 1 साल में 10 साल में नहीं बनने वाली चीज 1 साल में निगम दिया। 100 करोड़ से ज़्यादा का हम लोगों ने काम किया। अंग्रेजी मीडियम स्कूल स्वामी आत्मानंद खोला, अस्पताल खोला, कॉलेज खोला, तो विकास की जो गति है उसको और तेज करेंगे, क्योंकि अब हमारी महापौर सभापति पार्षद हमारे हैं तो विकास की गति और तेज होगी। सारे अच्छे निर्णय होंगे गाड़ी बैठने के बाद, उस पर भी फोकस करेंगे। भिलाई भी हम लोग जीतेंगे। अच्छा काम करने वाले के साथ ईश्वर साथ देता है, नहीं तो आप देखें 99% जगह जीत गए। अब एक आध जगह कोई वो तो बीजेपी वालों ने जो कराया उसके कारण है, नहीं तो हम तो जीत गए थे। हमारी बहुमत होके हारे हैं ना, बहुमत नहीं थी तो बताओ, बहुमत होके हारे हैं तो उसको हार नहीं कहते, वो तो बीजेपी की गलती जो उन्होंने किया उसके कारण। कहीं पर कोई बैलेट बॉक्स बदलने की बात नहीं आती, हम लोग बिल्कुल साफ सुथरी राजनीति करते हैं, क्योंकि हमको अपने कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों के ऊपर, छत्तीसगढ़ की जनता के ऊपर, माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की योजनाओं के ऊपर पूरा विश्वास है, इसलिए हमको गलत काम करने की जरूरत ही नहीं है।